अंजलि, अंजलि, अंजलि कहाँ है? दीदी तो घर में नहीं है। जयंती, अंदर जाके देखो। अंजलि कहाँ है? अंजलि, अंजलि कहाँ है मतलब? अरे, तुम ही तो लेके गए थे सबके साथ। वो लौट के नहीं आई क्या? एक मिनट, एक मिनट। पंकज, इन बच्चों को जरा वहाँ ले जाओ और वो तुम्हारे जादू वाले ट्रिक्स दिखाओ, हैं? Yes, sir. Sir, Anjali नहीं है सर। अरे कोई बताएगा मुझे क्या हुआ है अंजलि को? और ये लोग कौन है? हम लोग CID से हैं। और जिस घर में अंजलि काम करने के लिए गई थी उस घर के मालिक तरुण कुमार का किसी ने खून कर दिया है। हे भगवान, साहब साहब, अंजलि अंजलि ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, अंजलि लापता है तरुण के बाकी परिवार वालों के साथ। कहा था मैंने उसे, कहा था कि मत जा, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। अच्छा, ये अंजलि कहाँ गई होगी, कुछ पता ठिकाना है उसका? ये मैं नहीं जानती। चाल में तो बाकी लोगों को जानती होगी ना वो। रेडी, चाल के एक एक घर की तलाशी लो। पंकज को ले जाओ अपने साथ। एक मिनट सर, कहीं आपको अंजलि पे तो शक नहीं है ना? साहब वो बहुत मासूम है, वो ऐसा सब करने के लिए सोच भी नहीं सकती। जब तक वो मिल नहीं जाते कुछ कह नहीं सकते। कुछ अजीब ही चक्कर है ये, इसे छुपाने के लिए ये राक्षसी चूहे वाली अफवाह फैलाई गई है। सर, स्मिता और वाणी की जान को भी खतरा हो सकता है। मगर उन तक पहुंचने के लिए अंजलि का मिलना बहुत जरूरी है। काम करते हैं, बाहर अच्छे तरीके से चेक करते हैं, शायद कुछ हाथ लग जाए। सर, खून के छींटे तो यहीं खत्म हो गए। एक काम करो, तुम लोग इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूं। चलो। सर, सोना नहीं, लता के घर पे नजर रखना, समझी? अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी और नींद की दुश्मनी तो ऐसी है जैसे गब्बर और ठाकुर की। रह दो, दो दो तीन तीन दिन बिना सोए रह सकती हूँ सर। वो तो दिख ही रहा है। सर, ये लता खाना लेकर जा रही है। वो अंजलि के घर जा रही है, उसके भाई बहन को खाना खिलाने। सुनसान जगह पे कैसा मकान है? सर, अगर पेट में खाने का 14 इंजेक्शन लगेंगे, एक मारो उसको, एक, 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 ए
सर, अरे पंकज, आप लोग ठीक तो हैं? हाँ, हमें क्या हुआ? हम तो छाती तान के अपनी ड्यूटी निभा रहे। अरे अभी दो तीन कुत्ते हमसे डर के तुम दबा के भागे है ना सर? और लता घर के अंदर है। इनको यहीं पर रोक के रखना, किसी को अंदर आने मत देना। पिछड़ा 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 कुछ नहीं, हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। घर में आग कैसे लगी? पता नहीं साहब, मैं तो इन बच्चों को खाना खिला रही थी कि अचानक घर के पीछे से आग की लपटें आनी शुरू हो गई। घर के पीछे? आपने किसी को देखा पीछे? हाँ साहब, अंजलि को। क्या अंजलि? मगर वो खुद अपने भाई बहन को आग में क्यों झोंक देगी? फ्रेडी सर? हाँ सर। सर, सर उस तरफ तो ये यहाँ पे था, आने में थोड़ी देर हो गई, निकल गया यहाँ से। सर, सर अंजलि के घर में आग लग गई। क्या आग? जी नहीं, कुछ ज्यादा नहीं यार, छोटी मोटी चोट है। नहीं नहीं, डॉक्टर वॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, लता ने अंजलि को देखा था यहाँ आग लगने से पहले। हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके, घर के पीछे चल के देखते हैं। आप ध्यान रखिए इनका। ये देखो, अंजलि यहां खड़ी थी जब लता ने उसे देखा अंदर से। सर, हाँ? ये देखिए, ये चूड़ी का टुकड़ा मिला। अरे ठीक, ऐसे ही चूड़ी का टुकड़ा हमें तरुण के घर से उसके छत पे मिला था। मगर सर, ये प्लास्टिक की चूड़ी है, इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। लगता है कोई जोर जबरदस्ती घसीट के ले गया अंजलि को यहां से। हाँ सर, वरना अंजलि क्यों अपने भाई बहन की जान खतरे में डालेगी? अब सवाल यह पैदा होता है कि वो गई किस तरह। सर, ये घसीटने का निशान?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.